नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागला और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के। अगर आप डबल स्टोरी घर चाहते हैं और एक यूनिक प्लान चाहते हैं, यूनिक डिजाइन चाहते हैं, कार पार्किंग भी चाहते हैं, तो इस घर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये घर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल बैठने वाला है। और जैसा कि आपने हमारा थंबनेल भी देखा होगा, तो पूरे डिटेल के साथ इस मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी चीज समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplans.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं लगातार अपडेटेड मॉडल से डालता रहता हूं और घर से संबंधित आपको जानकारी देता रहता हूं। तो चलो आज के मॉडल को आज हम डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस मॉडल की हम बात कर रहे थे वो ये मॉडल होने वाला है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बेहतरीन सा मॉडल है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना लोगो टाइप का लगा रखा है, क्योंकि लोग, मैं देख रहा था कि बहुत सारे मॉडल्स हमारे कॉपी कर रहे थे और उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर रहे थे, क्रेडिट भी नहीं देते, तो इस वजह से मैंने लोगो लगाना स्टार्ट कर दिया है। और आज का जो मॉडल होने वाला है काफी खूबसूरत और बेहतरीन सा होने वाला है। अगर आप इस मॉडल को पसंद करते हैं प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दें। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अभी हम आपको पूरा एलिब्रेट करके दिखाने वाले हैं, पूरा A to Z मॉडल दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने साइड में दोस्तों एक कार पार्किंग के लिए भी स्पेस बना दिया है। और ये मॉडल कुल मिलाकर आपकी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फिलफिल करता हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने स्मॉल हाउस प्लान भी लिख रखा है और ऊपर लोगो और साइड में लोगो भी लगा रखा है। तो ये मॉडल की अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होने वाली है उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चौड़ाई की बात करें तो यहां से यहां तक एरिया कार पार्किंग को छोड़कर अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों आपका 25 फीट है, सॉरी ये आपका यहां से लेकर यहां तक 25 फीट है। इसके बाद 8 फीट का आपका ये कार पार्किंग का स्पेस मैंने बनाया है। तो 25 और 8 लगभग 33 फीट अप्रॉक्स में आपका चौड़ाई है। अगर बात करें हम लंबाई की तो टोटल ओवरऑल जो यहाँ पे ये सबसे आगे प्लर बना है यहां से लेकर लास्ट तक आपका 36 आपका लंबाई बैठने वाला है। तो आपका 33x36 में एक बेहतरीन सा और खूबसूरत सा डिजाइन है, जहां पर दो साइड ओपन है, दो साइड से आप देख सकते ओपन है और दो साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। तो यही पूरा ओवरऑल मॉडल फ्रंट आपको समझ में आ गया होगा कैसा मैंने डिजाइन किया, आप देख भी सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल के साथ इस वीडियो को बता देता हूँ, सारी डिटेल जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ सके, ये देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसे मैंने आप ऊपर वाली फ्लोर हटा दिए तो अब आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर कितना बेहतरीन और क्लियर आपको दिख रहा होगा। मैं जूम कर देता हूं और जो मेन एंट्री होने वाली है आपकी इधर से स्टेयर से, ये बारंदा टाइप का है दोस्तों, विंडो और डिजाइन आपका विद दो पिलर, इसको बता बारंदा इसका। इधर आपकी कार पार्किंग है, देखिए कार पार्किंग का भी स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, बेहतरीन आपका घर इसमें और लगे। और इस कार पार्किंग में जो मैंने इस पे छत बनाया है वो स्लोपदार बनाया है, थोड़ा हट के थोड़ा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है जिससे आपके घर का लुक और बढ़ जाए। मेन एंट्री आपका दोस्तों इस दरवाजे से होने वाला है और साइड में आपका एक विंडो भी दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, जिससे आपका हवा वगैरह क्रॉस होता रहे। तो जैसे आप एंट्री करते हैं, इससे आप टॉप व्यू दिखाता हूँ, बारंदे के बाद आप एंट्री करेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाते हैं बड़े से एक हॉल टाइप में, डाइनिंग एरिया से बोल सकते हैं, आंगन बोल सकते हैं। और इसी यहीं से आपकी स्टेयर से स्टार्ट हो जाती है और टर्न हो जाती है, तो ये आपका स्टेयर, इसके बाद आपका बड़ा सा डाइनिंग हॉल टाइप का आपका दिख रहा है। आप अगर चाहते हैं तो इधर विंडो भी लगा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बट मैंने विंडो नहीं दिया था क्योंकि मैंने पीछे भी दोस्तों एक OTS दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया भी एक OTS एरिया है। और ये आपका किचन है, ये आपका दोस्तों पूजा घर है, इसके बाद ये एक बेडरूम है। अगर इधर की बात करें ये आगे दोस्तों फ्रंट वाला बेडरूम है, जिसको मैंने अंदर से ही डोर दिया, बाहर से नहीं दिया। अगर आप इसे गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं तो आप एक साइड से, बारंदे के साइड से भी डोर दे सकते हैं। अब इस बेडरूम में खासियत ये है कि इसमें एक अटैच लेट बाथ भी बना है, ये देखिए अटैच इस दर से डोर दिया, ये अटैच लेट बाथ इस बेडरूम के लिए। और ये एक सेपरेट लेट बाथ बना है जो कि सभी लोग यूज कर पाएंगे जो भी और घर के सदस्य होंगे। तो ये ओवरऑल 33x36 का ग्राउंड फ्लोर जो कि एक मॉडर्न हाउस है, जो कि बहुत बेहतरीन सा लुक आपको देने वाला है, ये बनकर रेडी हो जाता है। अगर हम बात करें मॉडर्नता की, इसकी
कि क्या स्पेशल है। तो एक तो आपका कार पार्किंग थोड़ा सा स्पेशल है, और ये आपका कुछ कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं। बाद बाकी आपका सिमिलर मॉडल एक लो बजट का ही बन के रेडी होता है अंदर। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो देख सकते हैं ऊपर जाने के बाद जो बारंदा था उसको मैंने आज बालकनी कन्वर्ट कर दिया है। आप छत पर जैसे आते हैं और सारी चीजें वही हैं, सिमिलर, बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं अंदर, बस आपका बालकनी इसमें कन्वर्ट हो गया और ऊपर का थोड़ा सा डिजाइन मैंने चेंज कर दिया, देख सकते हैं फ्रंट का इधर भी। और ये दोस्तों ये आपको एक डिजाइन मैंने अलग से बनाकर और दिया है, और इधर आपको मैंने थोड़ी सी डिजाइन को चेंज करने की कोशिश की है। इधर विंडो भी दिया है, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे ऊपर, ये देखिएगा। तो बेहतरीन सा इसका बेहतरीन से बालकनी और लोगो, और लास्ट में ये आपका ऊपर 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल, इधर आपका लगभग 2 फिट का बाउंड्री वॉल। इधर ये थोड़ी डिजाइनिंग के पर्पज से मैंने चीजें कम कर दी हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो पूरा भी रेलिंग बना सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो बेडरूम था, ये वाला, उस पे जो मैंने रूप बनाया है, छत बनाया है, उसको स्लोप में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आपके घर का लुक एक बेहतरीन और अट्रैक्टिव लगने लगे। तो ये ओवरऑल मॉडल बनकर रेडी होता 33x36 में। अगर मॉडल हमारा आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते रहे, हम आपको ऐसे मॉडल्स देते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने वेबसाइट भी चालू कर दी है। अगर आप इस मॉडल का 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। और इसका पूरा 2D प्लान मीन्स आपका बेडरूम का साइज क्या है, कार पार्किंग का साइज क्या है, डोर का साइज क्या है, विंडो का साइज क्या, A to Z जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान एक ऐसा चैनल जो आपको लो बजट प्लान्स और बेहतरीन से मॉडल्स देने की कोशिश किया करता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग दोस्तों वीडियो देख कर चले जाते हैं, बेल आइकन भी प्रेस नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आपका कुछ जाता नहीं है, आप हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं हम, जिससे आपको लगातार ऐसे ही नए नए मॉडल्स देते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के मिल जाएंगे। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी दोस्तों नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करूंगा। वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, और अगर आपका कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग।